कोरोना वायरस महामारी के चलते एक ओर जहां पूरे उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय लॉकडाउन लगाया गया है, वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत मूसा नगर में लॉकडाउन बाद सोशल डिस्टेंसिंग की लोग जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जबकि थाना मूसा नगर पुलिस गजनेर रोड मूसा नगर त्राहे पर खड़े होकर आने जाने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसके बाद भी लोग कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। शायद लोगों को कोरोना वायरस महामारी का बिल्कुल भी डर नहीं है। वही नगर पंचायत से लेकर क्षेत्र के दर्जनों गांव के सैकड़ों मरीजों के लिए झूला छाप डॉक्टर बने फरिश्ता। एक ओर जहां बड़े बड़े MBBS डॉक्टर महामारी के चलते मरीजों को छूना तक पसंद नहीं करते हैं, वही झूला छाप डॉक्टर मरीजों को अपने अनुभव और योग्यता से बचा रहे हैं। नगर पंचायत मूसा नगर में आप देख सकते हैं 3 दिन का जो उत्तर प्रदेश संपूर्ण रूप से लॉकडाउन का अभियान चलाया जा रहा है, वही दूसरी ओर नगर पंचायत मूसा नगर आज भी इस भयंकर महामारी के चलते किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। एक और जहाँ यूपी से केंद्र सरकार इस महामारी की जूझने के लिए 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन करने के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे और अपने घरों से बेवजह निकलकर रोड पर टहलते नजर आ रहे हैं। जैसा कि वहीं इस कस्बे के हालात अगर देखे जाएं तो आप हमारे सामने देख सकते हैं, एक जिनको झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है, इस महामारी के दौरान कहीं ना कहीं उन मरीजों को जो बड़े डॉक्टरों में बड़े अस्पतालों में जो डॉक्टर देखना पसंद नहीं करते, आज वहीं हमारे झोला छाप डॉक्टर उनकी जान बचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक मरीजों का तांता लगा रहता है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है। जनपद कानपुर देहात से MS न्यूज के साथ मैं राजा सिंह।